एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? जैसे कि हमने आपको बताया था, हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं। पहला मॉक टेस्ट 6 को था, फिर 10 को, और फिर उसके बाद अभी कल हुआ है 15 तारीख को। हमने मॉक टेस्ट के अंदर जो इंग्लिश का पेपर है उसको इस हिसाब से डिजाइन किया है, इस हिसाब से फॉर्मुलेट किया है ताकि सारे तरह के क्वेश्चन उसमें कवर हो सके जो पिछले 8-9 साल में आ रहे हैं। फिलअप्स, क्लोज टेस्ट, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, होमोफोन्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पॉटिंग द एरर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड ऑफ सेंटेंसेस एंड एवरीथिंग। आज हम अपना सीरियस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। हम सारा पेपर डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन से। हम कॉम्प्रिहेंशन करते कैसे हैं पहले ये समझिए। देखो, आपके पास कितना टाइम होता है? 2 घंटे इंग्लिश का पेपर करने के लिए। आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। आपको इस हिसाब से अपना सब कुछ प्लान करना है कि आप कवर भी कर ले, आप पेपर भी कर ले सारा का सारा, और आपके पास लास्ट में 15-10 मिनट तो कम से कम बच जाए ताकि आप देख सके अपने क्वेश्चन को वापस। अब पेपर करने का तरीका समझिए। सबसे पहले आप देखो, जो स्टार्टिंग का 1 घंटा होता है, 1 घंटा 20 मिनट, उसके अंदर आपके 80-90 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, जिसके अंदर आप कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट को छोड़ दो। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम स्टार्टिंग में ही रीअरेंजमेंट और कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो हमें लगता है कि टाइम है हमारे पास, हम और पढ़ लेते हैं, 1-2 बार और रीड कर लेते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि आप रीडिंग पर इतना फोकस कर देते हैं कि आपका टाइम ही निकल जाता है, और टाइम निकलने के बाद प्रॉब्लम आती है और उसमें आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो अब आपको यही देखना है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बहुत ज्यादा, आपको जुडिशियसली यूज कर ले अपने ये 2 घंटे। तो आप सबसे पहले इडियम्स, फ्रेजेस, उसके बाद हमारे पास सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पॉटिंग द एरर्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, फिलअप्स, क्लोज टेस्ट, आप ये सभी टॉपिक्स पहले करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके शुरू के 1 घंटे में 70 क्वेश्चंस हो जाते हैं तो मतलब आप सही चल रहे हैं। अगले 10-15 मिनट में आप और 90 क्वेश्चंस कर लें, और जो ये कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं और रीअरेंजमेंट वाले होते हैं ये आप लास्ट के 20-25 मिनट में करें, ठीक है। और इन 30 क्वेश्चन को आप लोग आधे घंटे से ज्यादा टाइम मत दीजिए। जो लास्ट के 15-10 मिनट बच जाएंगे उसमें आप अपना पेपर देखिए आपको कैसे कैसे करना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ओएमआर शीट में ही खराब कर देते हैं। अब आपको ये भी हेल्प मिल जाएगी मॉक टेस्ट सॉल्व कर करके कि कैसे करना चाहिए। 10 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन मार्क करो, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। अगर आपको किसी में डाउट लगता है तो आप रुक जाइए, आप मत मार्क कीजिए, आप बाद में आएंगे पेपर करने के बाद उस क्वेश्चन पे देखिए, आप पेपर में उसको मार्क कर ले कि मुझे ये क्वेश्चन वापस देखना है, आप वापस आए सर्कल करें उस पे और फिर उसके बाद आगे बढ़े। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया है ये, हम पहले क्या पढ़ते हैं, हम पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पर आते हैं, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है क्योंकि इससे आप क्या कर रहे हैं, आप अपने माइंड को गाइड कर रहे हैं कि भाई मुझे इस इसके आंसर देखने हैं, और फिर आप सिलेक्टिव रीडिंग ही करेंगे। चलो पहला देखते हैं, द पैसेज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, पैसेज के अंदर किसकी बात हुई है, इलेक्ट्रिसिटी और एफिशिएंसी की, सो एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट, what does the writer mean by variable quality, I'm going to just tell you the answers, if you have any question any doubts in this you can comment down and we'll get back to you and explain the logic of question 2. The answer is the kind of products vary from time to time, option A. Question 3, electricity harnesses a unique range of technologies, what does the writer mean, the writer means that makes use of several technology by this particular say electricity makes use of several technology. Passage 2 par aa jaiye, passage 2 ke andar boring persons are generally tedious, tedious matlab boring, tiring. Next, the most pleasing type of company is where people make you feel that they appreciate your conversation. Next, reminiscences ka matlab kya hota hai, recollection of your past experiences, memories, तो वो वहां पर ऑप्शन लास्ट में गिवन है। आगे देखिए क्वेश्चन डी, द टाइटल ऑफ द पैसेज, क्या होना चाहिए टाइटल पैसेज, नहीं एक और रहता है, अ पर्सन फील्स एन आउटसाइडर इन अ कंपनी, कब फील होगा उसको ये सब,
when he finds that people are talking of things which he does not know. अब आ जाते हैं पैसेज थ्री पर. पहला है द टाइटल ऑफ द पैसेज क्या होना चाहिए, गांधी जी's views. Question 9. According to the Gandhi ji, one can serve the society if he used his talent wisely. Question 10. Gandhi ji never believed in what? Complete equality in all respects. The meaning of trustee is person having confidence. अब आ जाते हैं हम अपने rearrangement पर. इसके मैं answers बताने वाली हूँ. Question 12. Answer is option D. SQPR. Question 13. Answer is option D. Again, option D is RSQP. Question 14. Answer is PSRQ. Option D. Question 15. Answer is B. QPSR. Question 16. Answer is A. PRQS. Question 17. Answer is C. RQSP. Question 18. Answer is B. QSRP. Question 19. Answer is A. PSQR. Question 20. The answer is B. That is QPSR. Question 21. The answer is RSPQ. Now, what is fits and starts? इसका मतलब होता है बहुत ही sporadically होना, बहुत ही rarely चीजों का होना. ठीक है, तो विदाउट स्टडी एप्लीकेशन. नेक्स्ट, नो वन टू स्विंग अ कैट, बहुत कम जगह, थोड़ी सी जगह पर, एक्सट्रीमली लिटिल स्पेस. एज द क्रो फ्लाइज, मतलब सीधा, इन अ स्ट्रेट डायरेक्ट लाइन. इफ पुश कम्स टू शोव, इसका मतलब जब सिचुएशन बहुत बुरी हो जाए. अब देखो वापस स्पेलिंग आ गई है, तो टर्मिनेटेड की कौन सी स्पेलिंग ठीक है, टी ई आर एम आई एन ए टी ई डी, वो ऑप्शन ए में है. नेक्स्ट, persecution. Persecution की राइट स्पेलिंग क्या है, P-E-R-S-E-C-U-T-I-O-N, जो ऑप्शन ए है. Peculiar, P-E-C-U-L-I-A-R, जो ऑप्शन बी है. नेक्स्ट, psychology, P-S-Y-C-H-O-L-O-G-Y, which is डी ऑप्शन. 30th, license, L-I-C-E-N-S-E, ऑप्शन ए. 31, concise, C-O-N-C-I-S-E. 32, neighbor, N-E-I-G-H-B-O-R. Then 33, stabilize, S-T-A-B-I-L-I-Z-E. Next, irrelevant, irrelevant, I-R-R-E-L-E-V-A-N-T, option C. 35th, encouraging, E-N-C-O-U-R-A-G-I-N-G, which is option number B. Correct everyone? अब आगे आ जाते हैं spotting the errors. ये बहुत easy थे, देखते हैं. चलो देखो, हमने ना इतनी grammar पढ़ ली है अभी online और offline कि जब भी कोई भी question आता है आप सब्जेक्ट से ही समझिए क्या पूछा जा रहा है. देर आर अ नंबर ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, एडजेक्टिव वाला कुछ लगेगा, ऑफ एवरी क्लास एंड नेशनैलिटी हु डाउट्स. देखो अ नंबर है, मैंने पहले भी बताया है, अगर अ नंबर आता है तो प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन अगर द नंबर आता है तो सिंगुलर वर्ब. यहां पर तो ये सिंगुलर वर्ब है ना, तो यहां पर ये क्या होना चाहिए था, डाउट. नेक्स्ट, द सडन चेंज ऑफ प्लेस, नॉट ऑफ, इन प्लेस, ठीक है. नेक्स्ट, द साइंटिस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग, व्हेन ही इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माय फेलिंग, ये तो वर्ब है, यहां नाउन होना चाहिए, तो क्या होगा यहां, फेलियर. नेक्स्ट, शी वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड. दिस आई हैव टोल्ड यू अर्लियर टू. देखो कई बार हम ना कुछ वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो नाउन है या प्रोनाउन है, बस इतना याद रखो, अगर सी है तो नाउन है, अगर एस है तो वर्ब है. प्रैक्टिस्ड, पी आर ए सी, आगे टी आई एस ई डी, ये होनी चाहिए थी स्पेलिंग, गलत है यहाँ. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आया है यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक से, जो टॉपिक क्या है उनका, कंडीशनल सेंटेंसेस. ये थर्ड कंडीशनल पूछा जा रहा है, सेकंड कंडीशनल मतलब ख्याली पुलाव आउटकम है इसका, सिर्फ जो चीज हो ही नहीं सकती उसमें क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट होना चाहिए और फिर मोडाल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहाँ मोडाल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है, लेकिन क्या यहाँ पर सिंपल पास्ट है, नहीं, तो यहाँ क्या होना चाहिए, इफ आई वर. नेक्स्ट, द बॉक्स इज नॉट वेरी हैवी, एनीवन कैन लिफ्ट इट.
कैन दे. अब देखो ये क्वेश्चन टैग हमने किए हैं, ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस पे बेस्ड है. अब ये बताओ सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव. सेंटेंस तो मेरा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए सबसे पहले. एबिलिटी है तो कैन ही मोडाल लग जाएगा. एनीवन है, देखो अब मैं ये क्लियर कर देती हूँ. वैसे तो एनीवन, वन, एवरी, ईच क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं. लेकिन जब मैं क्वेश्चन टैग में बात करती हूँ, अगर थिंग है एनीथिंग, एवरीथिंग, ईच थिंग, तो भाई वहां तो होना चाहिए इट यूज. लेकिन इफ इट इज एनीवन, एवरीवन, ठीक है, ईच वन, तो वहां पर प्लूरल प्रोनाउन यूज करना चाहिए क्वेश्चन टैग में. तो यहां पर देखो कैन ठीक है लेकिन नेगेटिव होना चाहिए, तो कांट, दे भी ठीक है. नेक्स्ट, रीडिंग, राइटिंग एंड रिवाइजिंग सीम टू बी द प्रिंसिपल एक्टिविटीज ऑफ द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, करेक्ट, नो एरर. आर स्टूडेंट्स कुड इजिली हैव वन अ स्कॉलरशिप इफ दे वुड हैव डिवोटेड मोर टाइम टू देयर वर्क. देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहां पर क्या गिवन है मेरे पास, मोडाल, मोडाल के पास हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आगे क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर, इट शुड बी पास्ट परफेक्ट. आवर स्टूडेंट्स कुड इजीली हैव वन अ स्कॉलरशिप इफ दे वुड हैव डिवोटेड मोर टाइम टू देयर स्कूल वर्क. देखो अब मोडाल हैव, मोडाल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में ही यही है, तो हम किसमें चेंज करते हैं, जो मेरा काम पहले. देखो हमारे पास मैंने बताया है कंडीशनल में दो चीजें होती है, एक होती है प्राइमरी स्टेटमेंट, एक होता है इसका रिजल्टेंट स्टेटमेंट, कॉन्सिक्वेंट स्टेटमेंट, ठीक है. तो जो प्राइमरी स्टेटमेंट होती है, जो पहले हो चुकी होती है, उसमें तो होना चाहिए पास्ट परफेक्ट, या रिजल्टेंट में क्या होना चाहिए, मोडाल परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट जो पहले, तो पहले पढ़ेंगे ना, तो यहाँ वुड हैव डिवोटेड की जगह क्या होना चाहिए था, इफ दे हैड डिवोटेड. क्लियर एवरीवन. नेक्स्ट, माय प्लान इज टू गो फॉर द सिनेमा. ये मैं ना द का यूज बता चुकी हूँ. कुछ जगह होती है जैसे स्कूल, ठीक है, चर्च, हॉस्पिटल, सिनेमा, अगर इन जगह पे मैं इनका प्राइमरी कॉज कर रही हूँ तो भाई उसके साथ द नहीं लगता, ठीक है, अ लगता है. आई वेंट टू चर्च फॉर वर्शिपिंग. लेकिन अगर वहां पर कुछ अनयूजुअल हो रहा है तब द लगना चाहिए. तो यहाँ क्या होना चाहिए, फॉर अ सिनेमा. क्लियर एवरीवन. नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं. सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसके अंदर क्या होता है, आपको पास, आपके पास ना एक कुछ अंडरलाइंड होता है और आपको बताना है अगर इंप्रूव होगा तो क्यों होगा और क्या रिप्लेस कर सकता है. क्यों तो नहीं बताना, आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए. नो इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं आप. देखो, एन ओवरडोज ऑफ एनी मेडिसिन इज इनफ फेटल, ठीक है, इज टू, मैंने बताया था यहां पर टू आ गया है ना, ये क्लास में हुआ है, यहां पर टू आ गया है, ठीक है. तो यहां पर क्या यूज होना चाहिए मेरे पास, एक मिनट रुकिए, मेरे पास पेपर में ही गलत है. हमारे पास यहां पर क्या आ गया है, टू. तो मैंने क्या बताया था, जब भी यहां टू होगा तो यहां पर भी टू होगा, तो इनफ फेटल की जगह क्या हो जाएगा, टू फेटल. नेक्स्ट, देयर इज नथिंग क्वाइट मेजरेबल देन इलिटरेसी इन यूथ, एज मेजरेबल, वेरी मेजरेबल, मोर मेजरेबल. अब देखो यहां पर एडजेक्टिव का दैन यूज किया गया है ना, कंपैरेटिव, तो मोर मेजरेबल. माय ब्रदर इन लॉ हैज अ हाउस फॉर लेटिंग. हम फॉर लेटिंग नहीं बोलते, टू लेट बोलते हैं, ठीक है. नेताजी वाज बाय फार अ ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, कंपैरेटिव, सो नेताजी वाज द ग्रेटेस्ट मैन, हम ये कर देंगे. हार्डली, हार्डली के साथ क्या लगता है, वेन लगता है या देन लगता है, कंजंक्शंस में कराया है, वेन लगता है. A very horrifying serial was broadcasted 10 days ago. So, was broadcast, not broadcasted. Next. After a few hours, the conscious patient began to come out. Come out ka matlab kya hota hai? Bahar nikalna. Theek hai? Lekin, come out ka matlab kya hota hai? Bahar nikalna. Lekin, come around ka matlab kya hota hai? Improve karna. To yahan par to improvement ka matlab hai na. To hum come around use karenge. नेक्स्ट देखो, एज यू आर अ बॉर्न लायर आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू से. ये तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन देख लेते हैं आगे
क्या क्या ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, उसके बेसिस पर करेंगे। आई एम नॉट बिलीविंग, आई विल नॉट बिलीव, नहीं, नो इम्प्रूवमेंट, यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू कॉल मी आफ्टर यू रीच दिल्ली, यू मस्ट नॉट फॉरगेट आफ्टर, यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू कॉल मी, ठीक है, आफ्टर यू रीच दिल्ली, नो एरर, दोनों ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। इफ ही स्टडीड मोर कमल वुड हैव बीन, देखो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले क्या लगना चाहिए, had past perfect, had plus verb की थर्ड फॉर्म, तो if he had studied more, Kamal would have been able to secure a good first division. अब कर लेते हैं synonym, देखो abhor का मतलब क्या होता है, चिड़ होना, ठीक है, when you detest something, when you despise something, allure का मतलब क्या होता है, attract करना, despicable, contemptuous, next, copious मतलब बहुत सारा, exuberant, dilapidation मतलब टूटा हुआ, decrepit, next, immaculate मतलब clean, neat, which is unsoiled, next, penury मतलब गरीबी, destitution, next, her enthusiasm was waning मतलब diminishing। देखो अब इसके अंदर हमने क्या डाले हुए हैं, इसके अंदर देर आर क्वेश्चंस ऑफ होमोफोन्स, ठीक है, अब ये देखते हैं, पहला जो वर्ड कॉम्प्लीमेंट है मेरे पास, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सी ओ एम पी एल आई एम ई एन टी, इसका मतलब होता है तारीफ करना, प्रेज, और इसका मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा एड करना, तो कहां है ये ऑप्शन में, कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज, वेयर इज कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू एड फीचर्स, अब इस फीन का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड करना, और इस फेन का मतलब होता है खुशी से, मतलब हैप्पीली, ठीक है, तो अब देखो ये कहां है ऑप्शन में, फीन मींस टू प्रिटेंड एंड फेन मींस टू हैप्पी। अगला देखो डिसेंट, इसका मतलब है सिंपल, सुटेबल, डिसेंट, डी आई डबल एस ई एन टी, इसका मतलब क्या है, डिसएग्रीमेंट, नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, हम देखते हैं एब्डिगेट, एब्डिकेट का मतलब क्या, अब मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है, मेरे पास जो मेरा एंटोनियम्स है इसके अंदर, ही वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, टू रेनाउंस, टू लीव, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एजर्ट, नेक्स्ट एले, एले का मतलब होता है काम करना, ठीक है, टू काम डाउन, कम कर देना, इसका ऑपोजिट वर्सन हो जाएगा, एग्जॉल्टेड, एग्जॉल्ट का मतलब क्या होता है, खुश होना, इसका ऑपोजिट कंडेम करना, नेक्स्ट, अब फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसेंट, सैक्रोसेंट मतलब समथिंग टू, सैक्रोसेंट का मतलब होता है सेक्रेड, ठीक है, जिसको वॉयलेट नहीं किया जा सकता है, ऑपोजिट वॉयलेबल, नेक्स्ट अवॉइड परस्यू, नेक्स्ट डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मतलब गरीब, उसका ऑपोजिट रिच, नेक्स्ट सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब क्या होता है, सैंग्विन का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज टू पॉजिटिव, राइट, सो क्या हो जाएगा उसका, ग्लूमी, नेक्स्ट विट, विट मतलब योर इंटेलिजेंस, ऑपोजिट इग्नोरेंस, हेवन का मतलब क्या होता है, घर, ऑपोजिट हैजार्ड, मेलाइन मतलब बैड इंटेंशंस, इविल इंटेंशंस, इसका उल्टा बिनाइन। अब आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, अ जीरो इज अ जीरो ऑलवेज, अब कुछ बोलेंगे मैम ये तो नंबर है तो एडजेक्टिव होना चाहिए, एडजेक्टिव तो ऑप्शन में ही नहीं है तो मैं नाउन के साथ जाऊंगी, नेक्स्ट सिंस, यहाँ पर ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, नेक्स्ट द फ्यू रिमार्क्स, रिमार्क्स नाउन है, फ्यू नाउन को बता रहा है तो एडजेक्टिव, ऑर्डर्ड क्या है, वर्ब, अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझिए, देखो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिस वर्ब के बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट आ जाए, मतलब ऑब्जेक्ट आ जाए, एक और चीज, हर सेंटेंस में वर्ब के पास भी ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन के पास भी ऑब्जेक्ट होता है, हम वर्ब के पास वाला ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, रिया ऑर्डर्ड अ पिज्जा, डायरेक्टली है तो ट्रांजिटिव वर्ब, नेक्स्ट करेज नाउन, मच ग्लैड, ग्लैड क्या है, एडजेक्टिव, ये इसको कर रहा है तो एडवर्ब, अलास सडन फीलिंग इंटरजेक्शन, थ्रू द वुड्स मतलब कहीं से जा रहे हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन, कॉटन इज अ कैश क्रॉप, व्हाट इज कॉटन, अ नाउन, क्लियर एवरीवन, any doubts, any questions, you can put it in the comment sections, we'll for sure get back to you, aage aa jaate hain, children below the age of 12 kahan le jaya jata hai unko, juvenile court mein, so that's the answer।
women should be paid the same as men when they do the same job for surely. What is sauce? देखो, what is sauce for goose is the sauce for, इसको gender भी बोलते हैं, gender भी बोलते हैं, ठीक है? Duck, male duck, female duck, so option A. Although Sadhana stays with that family, she is not dashed to them. क्या नहीं है वो, उन जैसी नहीं है, similar तो नहीं हो सकता, related to them, she is not related to them. Renu is a dash, you can lead her by nose. ये हम किसको बोलते हैं, तुम उसको कर सकते हो, जब कोई इंसान novice हो, जब कोई इंसान नया नया कुछ कर रहा हो. So novice, novice का मतलब जब भी कोई इंसान कुछ भी नया नया करता है. Next, beginning stages में. Priya is dash for this kind of job. तो cut out का मतलब होता है निकाल देना, removed. So option A. Next, the most striking dash. अब किसी इंसान की बात हो रही है तो उसकी characteristic. A crescendo of metallic thirds arose from the market where the blacksmiths. अब क्या करते हैं वो, hammering. So hammering. Next. आ जाते हैं. He admired precision in everything, but it never hampered his quick decision. Next. Dowry is no longer permitted by law, even in marriages, dash marriages. Which marriages? Conventional marriages. Conventional matlab standard, jo normal hoti rehti hai, koi bhi shadi. Next. The writer like spider dash of webs. Kya karta hai spider? Spin karta hai. So spins the web. अब आगे आ जाते हैं क्लोज कॉम्पोजिशन पे. मेनी ऑफ अस बिलीव दैट साइंस इज, अब हाउ टू डू क्लोज कॉम्पोजिशन, पहला क्वेश्चन तो यही आता है दिमाग में. तो कैसे करते हैं क्लोज कॉम्पोजिशन को? क्लोज कॉम्पोजिशन करने के लिए आपको सबसे पहले पैसेज को ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ताकि आपको कम से कम ये तो पता चले पैसेज में किसकी बात हो रही है, उसके बाद हम आगे चलेंगे. मेनी ऑफ अस बिलीव दैट साइंस इज समथिंग मॉडर्न डैश द ट्रुथ. अब आगे कैसा ट्रुथ? दो द ट्रुथ इज दैट डैश हैज बीन यूजिंग साइंस. कौन यूज करता है साइंस को? हम पीपल. अब हैज है तो मैन, एम ए एन, हैज बीन यूजिंग साइंस फॉर डैश बहुत पहले से, तो अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो इट शुड बी दो मैन अ वेरी लॉन्ग टाइम. अब आगे आ जाते हैं. हाउ एवर इट हैज dash a greater effect. कैसा greater effect होना चाहिए? It has dash a greater effect. Has verb की third form आनी चाहिए. Verb की third form क्या होती है? Had, very easy. On human lives in the last dash. In the last 25-30 years. Then in 100. अच्छा, मैं मेरे को लगा 25 numbering है. However, it has had a greater effect on human lives in the last 25 ke baad kya hona chahiye? 25 next mein kya hai? And 30 years. 25 or 30 years. Yahan par or either neither to nahi aa sakta kyunki nor vor bhi nahi hai. Either yahan par kya ho jayega? Or 30 years, then in 100 of years. 101 is dash the invention of the plow. Kya thi wo? Dull invention nahi thi, inexpensive bhi nahi thi, costly, marvelous invention, because it changed people's life. The dash gifts of science. Which gifts of science? Kaise? Exciting gifts of science have made modern life dash and comfortable. Kaisi bana diya usne modern life? Modern life, wait, I missed on something. However, it has 99 में क्या होना चाहिए? It has had a greater effect of human lives in the last 25 or 30 years than in 100 years, than in the 100 of years dash the invention of plow. So, कितने time पहले invention of plow हुई थी? यही पूछा जा रहा है. तो इसके अंदर this is option number 101. Since the invention of plow, the dash gifts, which gifts? Marvelous gift, because plow is also a marvelous gift of science, have made modern life dash. Kaisi bana diya usne hamari modern life? Exciting, right? And comfortable. But science has dash the same time. Science has usi time par, theek hai, at the same time. Aage dekhte hain.
मैं इसमें से पढ़ती जाऊंगी जो मेरे पास है. एट द सेम टाइम क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स, वन ऑफ दीज मे बिकम डैश इन ईयर टू कम. कैसी बुरी हो जाएगी, सो वर्स कंपैरेटिव डिग्री, वर्स इन द ईयर टू कम इज डैश ऑफ जेट लैग, दैट ऑफ जेट लैग. विद द कमिंग ऑफ मॉडर्न जेट्स इट इज वर्स, इट्स एक मिनट, वर्स एंड दैट जेट लैग. देन 107, with the coming of the modern jets flying at more than 900 km an hour, the world dash very small indeed has become very small indeed. Today, if you dash Delhi, agar tum chale jao, to if you leave Delhi at 4, will leave, would leave, nahi, just leave, present tense, time frame be given. You dash eat an early breakfast in the sky. You can ability eat in Kabul and be in London by. You can eat an early breakfast in the sky. Ab Kabul ke andar, Kabul ke to sky over Kabul. Right? Clear everyone? Any doubts, any questions? If you have anything to ask, any logics, you can put it in the comment section. Ab baat karte hain reported speech. Na pehle ek baar aayi hai paper mein. तो आई जस्ट एडेड दीज क्वेश्चंस ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि जो इससे पहले पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उसमें मैंने सब कुछ डाल दिया था. ठीक है, अब देखो, मोती आज गंगू वेदर द लेटर वॉज इन सेंस. ठीक है, ये कौन सा टेंस में चेंज हुई है पहले मुझे ये बताओ. सिंपल पास्ट में तो कौन सा टेंस होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट. सो गंगू आर यू इन योर सेंसेज, आस्क्ड मोती. नाउ हु नाउ दे हैड आस्क्ड, दे हैड आस्क्ड, अब दे हैड वॉन्टेड टू नो, ये तो ठीक है. अब नाउ देन में चेंज होना चाहिए, हु देन वुड लिसन. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट 113, सुरेश आस्क्ड प्रसाद वेदर ही हैड वॉच्ड द क्रिकेट मैच. ही हैड वॉच्ड, ठीक है, तो ही हैड वॉच्ड कब हो सकता है, दो है, या फिर तो मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर मेरे पास सिंपल पास्ट हो. देखो सारे के सारे सिंपल पास्ट में है. डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच, देखो यहां पर लास्ट नाइट है, on television last night, so which option would you choose for it? यहाँ पर full stop है, यहाँ पर सिर्फ एक है, ठीक है, यहाँ पर दो, यहाँ पर है ही नहीं बीच में commas, यहाँ पर बाद में नहीं है, तो I will go with option B as of now. Next 114, he said Garima wants to take up a job while her husband wants her to look after the family. So, इसमें क्या हो जाएगा, he said that Garima wanted to take up a job while her husband wanted to look after the family. आगे आ जाते हैं 115, she said when I was a child I wasn't afraid of ghosts. So, she said that when she was a child she wasn't afraid of ghosts. So, option number C of 115. Next 116, he said let Hans come with us mother, I will take care of him. Let request की गई है. He requested his mother to let Hari come with them as he will take care of him. 117. No, said the child. I won't kneel for it. I do shall spoil my new pair of trousers. So the child said that he would not kneel for if he had. He did so. He would spoil his new pair of trousers. Option number C. 118. He said, I do not wish to see any one of you. Go away. Iska kya ho jayega? He said that he did not wish to see any one of them and ordered them to go away. Option number B. Next, 119. The lady said to the servant, if you don't wash the clothes properly, I will dismiss you. The lady warned the servant that she would dismiss her if she didn't wash the clothes properly. Next. There are ceremonies going on. He said to me, he told me that there were ceremonies going on. That is all for today for the CDS paper. If there is anything that you did not understand, you can put it in the comment section and we will for sure get back to you. All right, aspirants. Now you only have 1 week left. Okay. Use it judiciously.
अब आपने तीन पेपर दे लिए हैं, आपको पता चल गया है आपको किस टॉपिक पर कितना टाइम और स्पेंड करना है और कैसे रिवाइज करना है। इस एक हफ्ते में आप एक बार अपनी वोकैबुलरी रिवाइज कर लीजिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस रिवाइज कर लीजिए, आप अपने रूल्स, ग्रामर रूल्स पढ़ लीजिए, क्योंकि जो आपका सीडीएस का पेपर होता है उसकी कट ऑफ क्लियर करने के लिए, अब देखो आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है, स्पेशली फॉर गर्ल्स यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 10 to 15 marks more so that you can make it to the merit list as well when you get recommended for your from your SSBs. Okay, तो आपको English में अपना safe score लेकर चलना है 70 above. ठीक है, मैं तो 75 above बोलती हूँ अपने most of the students को, लेकिन 70 above लेकर चलिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इससे ज्यादा इतने marks score, तो आप कोशिश करें, आप और मेहनत करें, बार बार topics को अच्छे से revise करें और PYQs solve कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल फॉर श्योर गेट बैक टू यू पीपल। दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड आई हैव वन मोर न्यूज़ टू गिव, वन मोर नोटिफिकेशन, एंड दैट इज दैट वी आर सून कमिंग अप आफ्टर योर पेपर ऑन 21st, वी आर कमिंग लाइव ऑन आवर यूट्यूब चैनल टू सॉल्व द पेपर एंड गिव यू ऑल द सॉल्यूशन सो दैट यू कैन एनालाइज योर मार्क्स, एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड वर्क हार्डर इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। एंड all those who think they are clearing the cut off can start preparing for the upcoming, the next process, that is the SSB interview. All right, that is all. Keep working hard, keep studying. All the best, everyone. Thank you very much.